हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टोयोटा की तरफ से आने वाली एक और हाइब्रिड गाड़ी जो कि है अर्बन क्रूजर हाईराइडर। यार ये गाड़ी एक फुली हाइब्रिड व्हीकल है जो कि एक पेट्रोल इंजन विद अ पेयर्ड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है और इंजन और मोटर का जो कम्बाइंड आउटपुट निकल के आता है वो है 115 BHP। जरे गाड़ी फ्रंट से देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। अपर ग्रिल में सेंटर में अपने को सैटन क्रोम फिनिश में टोयोटा का लोगो मिल जाता है और यार इस ग्रिल के अंदर कार्बन फाइबर जैसे टेक्सचर देखने के लिए मिलता है और लोगो के साइड में अपने को क्रोम लाइनिंग देखने के लिए मिल जा रही है जो कि DRLs के अंदर जाके मिल रही है। एंड यहाँ पर ना अपने को स्प्लिट DRLs ऑफर किए जा रहे हैं टोयोटा की तरफ से और यार यही DRLs इंडिकेटर का काम भी करते हैं। तो यार अब बात करते हैं इसके फ्रंट बम्पर की। सेंटर में आपको बड़ी सी ग्रिल दी गई है और उसी के बीच में आपको नंबर प्लेट की जगह दी गई है और नंबर प्लेट के ऊपर 360 कैम का फ्रंट कैमरा दिया गया है और साइड में यार इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं जो कि यार क्रोम इंसर्ट्स के साथ आते हैं और फ्रंट में आपको इसके अंदर कोई पार्किंग सेंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यार इस गाड़ी का जो स्टांस है ना वो इस गाड़ी को देखने के लिए एक अलग ही लुक ऑफर कर रहा है, इस वजह से ये गाड़ी देखने में फ्रंट से तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो यार अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड से देखने में तो ये गाड़ी यार काफ़ी मस्कुलर लग रही है देखने में तो, और काफ़ी बढ़िया भी लग रही है। क्रेटा और सेल्टोस जो इसके कॉम्पिटिटर है दोनों से ज़्यादा लंबी है ये गाड़ी। तो यार साइड में आपको विंडोज पर क्रोम गार्निश ऑफर की जा रही है, ब्लैक कलर के व्हील आर्चेस दिए गए हैं जो कि यार आपको जीप कंपस, जीप मेरिडियन और मारुति ब्रेजा में देखने के लिए मिल जाते हैं और इस गाड़ी में यार आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज देखने के लिए मिलते हैं और टायर प्रोफाइल जो ऑफ़र की जा रही है वो है 215/60R17 की ऑफ़र की जा रही है। यहाँ पर अपोलो के टायर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। इसमें आपको साइड के अंदर क्रीज लाइंस भी ऑफ़र की गई है जो कि यार इस गाड़ी को एरोडायनामिकली और भी ज़्यादा स्टेबल बनाती है और साइड में आपको हाइब्रिड एस की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है और ये है हमारा साइड व्यू मिरर विद टर्न इंडिकेटर और मिरर के नीचे यार आपको 360 डिग्री का साइड कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। यार बैक प्रोफाइल से ये गाड़ी ना कुछ इस तरह की लुक ऑफर करती है जो कि यार देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। और यार इस गाड़ी का जो बूट है ना वो इलेक्ट्रिकली ओपन बूट है और इस गाड़ी में आपको 318 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर इस हाइब्रिड व्हीकल की जो बैटरी है वो प्लेस की गई है, देख लीजिए आप। और ये जो बैटरी है ना ये 177 kW की बैटरी है। साइड में एक 12 वोल्ट का सॉकेट अपने को मिल जाता है और बूट लैंप भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि रात के लिए तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर पार्सल ट्रे भी मिल जाती है अपने को और अब बूट को कर देते हैं बंद। जो नंबर प्लेट की लाइट्स है वो आपको बूट के अंदर हेलोजन में देखने के लिए मिलती है, LEDs नहीं है। क्रोम गार्निश देखने के लिए मिल जाती है और उसी के बीच में अपने को सैटन फिनिश में टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। साइड में इस गाड़ी में सी शेप्ड टेल लैंप्स दिए गए हैं, नीचे हाइब्रिड VHP बैजिंग दी गई है और उसी के ही साइड में इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट और उसके नीचे रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया गया है जो कि यार एक न्यू स्टाइल में प्रोवाइड करा गया है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है गाड़ी के अंदर। और अब इसकी अंडरबॉडी देख लीजिए आप, अंडरबॉडी में इसका स्पेयर टायर प्लेस है ताकि इसका बूट स्पेस इंक्रीज करा जा सके। गाड़ी के ऊपर अपने को शार्क फिन एंटेना देखने के लिए मिल जाता है, स्पॉइलर देखने के लिए मिलता है और स्पॉइलर के अंदर ही अपने को हाई माउंट टॉप लैंप भी देखने के लिए मिलता है। जो रियर ग्लास है उसके अंदर डिकोवर दिया गया है और रियर वाइपर भी दिया गया है विद वॉशर दिया गया है रियर वाइपर।
तो यार अब चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पर। सबसे पहले डोर की बात की जाए तो डोर पर अपने को कॉफ़ी कलर का सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश, क्रोम डोर हैंडल और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश ऑफर की गई है। और यह है पावर विंडो का स्विच और नीचे मिलता है आपको बोतल होल्डर, स्पीकर ग्रिल। और यार अब चलते हैं गाड़ी की सीट्स पर। तो यार सीट्स तो काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है गाड़ी में। और गाइज यार मेरी हाइट लगभग 5 feet 5 inch के आसपास है और यार लेग रूम आप देख ही सकते हैं कितना सारा ऑफर किया गया है। और यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर, रियर एसी वेंट्स और उसी के नीचे आपको दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, एक है यूएसबी टाइप ए और एक है यूएसबी टाइप सी। साइड में रीडिंग लाइट्स और ग्रैब हैंडल्स भी ऑफर किए जा रहे हैं आपको, दोनों साइड्स में देखने के लिए मिलते हैं। और गाइज यार इस गाड़ी में आपको पैनोरमिक सनरूफ भी ऑफर किया जा रहा है, बट यार वो क्रेटा से छोटा ऑफर किया जा रहा है आपको। और रियर सीट से इस गाड़ी का यार फ्रंट कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। सामने इसमें 9 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है आपको, उसके नीचे एसी वेंट्स, उसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है एसी का, उसमें नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है और इसमें दो चार्जिंग सॉकेट भी देखने के लिए मिलता है आपको, जो कि है एक 120 वोल्ट का और एक है यूएसबी चार्जिंग सॉकेट। और गाइज यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड की जा रही है गाड़ी में। और यार हाइब्रिड वेरिएंट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगा इस गाड़ी का। अभी देखिए जैसे गाड़ी आइडियल कंडीशन में खड़ी है तो गाड़ी की बैटरी चार्ज हो रही है, इंजन एक अल्टरनेटर को ड्राइव कर रहा है और वो बैटरी चार्ज कर रहा है, देख सकते हैं जैसे कि। तो भाई अब चलते हैं गाड़ी की फ्रंट सीट पर। ड्राइवर साइड डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा और डोर के अंदर आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल्स, चाइल्ड लॉक, डोर लॉक अनलॉक एंड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल और ऑटोमेटिकली फोल्डेबल साइड मिरर का स्विच देखने के लिए मिल जाएगा। और क्रोम डोर हैंडल, सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिलती है आपको यहाँ पर। जो ड्राइवर साइड की सीट है ना वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है एंड साइड में आपको हेड्सअप डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट सो बटन एंड पियानो ब्लैक फिनिश में आपको एसी वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं। इंटीरियर तो यार इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने के लिए एंड ये वही 9 inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि यार आपको मारुति की बलिनो में, न्यू ब्रेजा में देखने के लिए मिलता है। इसका जो स्टीयरिंग है ना वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स के साथ आता है। और ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि यार फुली डिजिटल दिया गया है टोयोटा के द्वारा और यार ये इस गाड़ी को एक प्रीमियम फील दे रहा है। और यार इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो पूरा का पूरा गोल है, डी कट इसमें नहीं मिलता। लेफ्ट साइड में आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, नीचे कॉलिंग कंट्रोल्स एंड राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। और ये है इस गाड़ी का गियर लीवर, इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ब्रेक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में दो मोड्स आते हैं, एक है ईवी मोड और एक है ड्राइव मोड। और यार इस गाड़ी में आपको फ्रंट की दोनों सीट्स ही वेंटिलेटेड दी गई है, को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों सीट्स ही आपको वेंटिलेटेड इसमें प्रोवाइड की गई है। ये है स्लाइडेबल आर्मरेस्ट एंड हैंड ब्रेक एंड यहाँ पर आपको कप होल्डर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ग्लोव बॉक्स में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफर की गई है और डैशबोर्ड पर भी यार आपको सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है, सिल्वर एसेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और यार को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों साइड पर ही आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है विद लाइट, कितनी बढ़िया बात है। वरना तो यार अगर आप दूसरी गाड़ियों में देखोगे ना तो मोस्टली टाइम पर ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ को ड्राइवर साइड ही अवेलेबल होता है और वो भी कई बार विदाउट लाइट के अवेलेबल होता है। हाँ भाई तो कैसे लगी टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, भूल मत जाना। और अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को तुम्हारी भाई की।